नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियों को मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वह चाहे उत्सव हो या फिर त्यौहार, त्यौहार से पहले ही ये रौनक छानी शुरू हो जाती है। लेकिन शादी में मेहंदी लगाने का एक अपना एक महत्व होता है। यह परंपराओं के अनुसार चलता आ रहा है। यह पारंपरिक भी माना जाता है कि शादी से एक रात पहले जो मेहंदी की रस्म होती है, हाथ और पैरों पर डिजाइनदार लगाई जाती है और बड़ी बारीकी से लगाई जाती है। लेकिन लड़के के हाथ पे से सगुन का टीका लगाया जाता है, लेकिन इसके महत्व भी बहुत अधिक हैं। आज जानते हैं इस वीडियो के दौरान कि मेहंदी लगाने के क्या महत्व होते हैं। नंबर एक, मेहंदी का महत्व। जब किसी लड़की के हाथ पर मेहंदी लगाई जाती है तो वह उस विवाह के बंधन का प्रतीक होता है जिसमें वह बनने वाली होती है। लेकिन इसके साथ साथ वह उस परिवार में जा रही है, उसके प्रेम और स्नेह का भी प्रतीक माना जाता है। नंबर दो, मेहंदी का जितना अच्छा गहरा रंग आता है वह उसके लिए और भी अच्छा और खास माना जाता है। यदि लड़की के हाथ पर जितना गहरा रंग मेहंदी का चढ़ता है, इसका समझ लो कि वह अपने नए जोड़े के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। और मेहंदी का गहरा रंग सास और बहू के बीच में प्रेम का संबंध भी माना जाता है। मेहंदी का जितना गहरा रंग होता है उतनी ज़्यादा खुशियाँ परिवार में लड़की लेकर आती है और कि अपने पूरे परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। माना जाता है जितना गहरा रंग लड़की के हाथ पर चढ़ता है उतना ही ज़्यादा खुशहाल उसका नया जोड़ा यानी कि शादी के बाद उसका पूरा परिवार रहता है और उससे आपके प्रजनन क्षमता पर भी प्रतीकात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वैसे हम मेहंदी को औषधीय गुण भी मानते हैं यानी कि औषधि के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। वैसे मेहंदी हमारी शीतलता प्रदान करती है और हमारे सिर दर्द और बुखार को भी दूर करती है। मेहंदी दुल्हन को इसलिए लगाई जाती है, शादी में जितनी भी थकान होती है उसे दूर करने के लिए मेहंदी लगाई जाती है जिससे लड़की के ऊपर से जितनी भी थकान है वो सारी दूर हो जाए और उसे शीतलता प्रदान हो। मेहंदी की रस्म। मेहंदी की रस्म लड़की के घर पे होती है वह सबसे ज़्यादा खास होती है जिसमें लड़कियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डांस करती हैं, मजे करती हैं और लड़की की टांग खिंचाई भी करती हैं, मेहंदी लगाती हैं और उसके साथ साथ अपनी कल्पनाएं भी बताती हैं। उसके परिवार में कौन कौन है उसे जानने की उत्सुकता रखती हैं और वह अपने नए जीवन में क्या क्या लेकर आएगी और क्या क्या देकर आएगी वो सारी विशेषताएं वह बताती हैं। अपनी ही सखी सहेलियों के साथ अपनी खुशियां बांटती है और उस बंटवारे में वह अपनी खुशियों को इस तरह बांटती है ताकि वह अपनी खुशियों से और ज़्यादा खुश हो सके। मेहंदी एक ऐसी रस्म होती है जिसमें लड़की सबसे उत्तेजना पूर्व होती है और उसके चेहरे पर एक नया सा ग्लो होता है और वह अपनी सखी सहेलियों के साथ डांस करती है, धूम मचाती है। शादी से एक रात पहले ही यह की जाती है क्योंकि अगले दिन उसकी बारात आ रही होती है जिसकी वह तैयारी सुबह से ही लग जाते हैं, इसलिए मेहंदी की रस्म सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है। जब दुल्हन की मेहंदी लगाई जाती है वह आधुनिकीकरण होती है और परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि लड़की की मेहंदी ऐसी लगनी चाहिए जिसने कि वह खो जाए यानी कि मेहंदी बड़ी बारीकी से लगाई जाती है जिसमें उसके पति का नाम लिखा जाता है। पति का नाम लिखने के बाद सखी सहेलियों से उसे ढूंढने के लिए भी कहा जाता है और उसी के साथ मजाक भी किया जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तब उसके पति से उसी का नाम ढूंढने के लिए लड़की के हाथ आगे कर दिए जाते हैं, उसमें वह अपना नाम ढूंढता है। अगर उसे मिल जाता है तो उसे शगुन के तौर पर कुछ गिफ्ट मिलता है, यदि नहीं मिलता तो उसकी जेब खर्ची ले ली जाती है यानी कि उससे कुछ भी उपहार में ले लेती हैं। ये सारी सखी सहेलियां उसके पति की टांग खिंचाई करती हैं और अपने जीजा की टांग खिंचाई करना तो सबका हक बनता है, इसलिए मेहंदी की रस्म सबसे अच्छी खास मानी जाती है। तो ये है मेहंदी रस्म के महत्व। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना।